Next junior, please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है. से लेकर ध्वज तक शमशान के सबसे अच्छे लड़ाके ढाल बनके हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे और हमें भी तीर की तेजी से उनकी सुरक्षा को भेजना होगा. मेरे वीरों, ये एक सच्चाई है. इस अभियान में हमारे कुछ वीर वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन उन सबके बलिदान को सार्थकता तभी मिल पाएगी जब हम सब अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए. कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का गौरवशाली झंडा फहरा देंगे. मेवाड़ का ध्वज कीर्ति स्तंभ पर फहराते ही हमारी सेना का मनोबल 10 गुना हो जाएगा और शत्रु का उत्साह धूल में मिल जाएगा. हमें शत्रु को पराजय का मुंह दिखाना है. हर क्षत्रिय के लिए शत्रु को पराजय का मुंह दिखाना गर्व की बात होती है. इस अफगानी झंडे को हटाकर मेवाड़ के ध्वज को फहराने का संकल्प मेवाड़ के हर राजपूत ने लिया है. राजपूतों की आन बान और शान कभी छुकने ना पाए, ये प्रतिज्ञा मेवाड़ के रक्त की हर बूंद में है. सही समय आने पर हर राजपूत को अपने देश के लिए देशभक्ति और मात्र प्रेम दिखाने का सही अवसर दिया जाएगा. कुंवर प्रताप, राजीराज, इस अवसर को पाकर हम भी स्वयं को गौरवान्वित करना चाहेंगे. हमने मासा से बचपन से ही हमारे पूर्वजों की वीर गाथाएं सुनी. हमारे परदादा श्री बाप्पा रावल, दादा श्री राणा सांगा की इस साहस की गाथाएं हमें बार बार यही कहती कि जाओ प्रताप जाओ और हर शत्रु को अपनी मातृभूमि से खदेड़ दो. आपकी शिक्षा, आपके आदर्श हमें अपनी प्रजा के और समीप करते हैं. ऐसा लगता है कि हम अपनी प्रजा को सारे सुख दें और किसी भी प्रजाजन पर कोई आश ना आने दें. कुंवर प्रताप, अभी वो समय नहीं आया है जब आप रणभूमि में उतरकर अपनी योग्यता सिद्ध करें. प्रजाजनों के हित और दुखों को हरने के लिए अभी आपको कड़ी मेहनत, संयम और धैर्य के साथ कई बड़ी परीक्षाएं देनी होंगी. हम कर सकते हैं दाजीराज. बस कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि हमने जो कहा वो आप समझ गए होंगे. मेवाड़ी ध्वज स्वयं को चित्तौड़ के किले पर फहराने का अवसर उचित योद्धा को देगा. समय आएगा, दीक्षा करो कुंवर प्रताप.
समय आ चुका है दाजीराज। जय मेवाड़! जय मेवाड़! आक्रमण! तलवार चलाओगे तो प्राण तुम्हारे जाएंगे और हानि मेरी होगी। अभी ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारी तलवार ये दोनों अलग अलग हैं। तुम्हारी तलवार में तुम्हारी भावना नहीं, तुम्हारे मुंह पर और आंखों में अफगानों के लिए गुस्सा उबल रहा है, लेकिन तुम्हारी तलवार निरपेक्ष है और ऐसी निरपेक्ष तलवार रणभूमि में तुम्हें बलिदान करके किसी और के साथ आगे चल देगी। और होना यूं चाहिए कि तुम और तुम्हारी तलवार दोनों ऐसे एक हो जाएं कि तुम्हारी तलवार तुम्हारा ही एक अंग हो, जैसे ये तुम्हारा लोहे का हाथ हो और इसी पे कटीली धार हो। तुम्हारी भावना तलवार के साथ बहनी चाहिए, तभी तुम्हारी तलवार शत्रु पर काल बन के चमके। समझे? जी हुकुम, समझ गए और अब कभी नहीं भूलूंगा। हुकुम! Thank you.
कोई आ जाए, हम इसके आगे नहीं चल सकते। हम जा तो रहे हैं, पर हमारा मन दुर्ग में अटका हुआ है। मैं जाने वहां क्या हो रहा होगा। रानी सा, जो छूट गया सो छूट गया। आप आगे की सोचिए, आपको एक नया जीवन आरंभ करना है। नया जीवन आरंभ हो सकता है, लेकिन हमारे सपने अभी तो, हमारे पुराने सपने अधूरे हैं। हम हमारे पुत्र को इतना शक्तिशाली बनाएं कि वो हमारे सारे अधूरे सपने पूरे कर सके। बस एक लिंग जी की कृपा से राणा जी जीते रहे। हुकम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूर्वी द्वार पर कौन है? हुकम, पूर्वी द्वार पर हमें ही होना है, किंतु इस समय समाचार ही इतना संगीन है। रावत जी, ऐसा कौन सा समाचार है कि आपको छावनी छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा? हुकम, फौजी राज को देखा गया है। और प्रताप को कहाँ देखा? किसने देखा है? किसने देखा कौर प्रताप को? बाजी राज को हमने स्वयं आज राणा बहादुर की टुकड़ी में देखा। सब कुंवर प्रताप ध्वज फहराने गए हैं। यदि आप कहें तो बाजी राज की सुरक्षा के लिए एक टुकड़ी भेज दें। कौन सी टुकड़ी भेजेंगे रावत जी? और कहां से सैनिक भेजेंगे? हमारा एक एक सैनिक फोला फोला अफगानों से लड़ाई लड़ रहा है। राज की स्वाधीनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। कुंवर प्रताप ने हमारा आदेश ना मानकर ये फैसला लिया है, इसका परिणाम उन्हें अकेले ही सहना होगा। हुकम जी, आज बस रावत जी, अभी तो और कोई बात नहीं होगी। ये हुकम। हुजूर, प्रताप, हुजूर, दूसरी वाली टुकड़ी में प्रताप अपने साथियों के साथ आया है, हमला करने के लिए आया हुआ है। हमारे सबसे ज्यादा सिपाहियों का रास्ता तैयार करो। खबर मिली है कि प्रताप आटम वाली बेकरी में है, और जब हम उस गुस्ताख को हमारे हुजूर के सामने जिंदा या मुर्दा पेश करेंगे तो हमारे हुजूर खुशी के मारे नाच उठेंगे। रणभूमि की महारानी साहब, हमारे सेनानियों ने अफगानियों की एक चौथाई सेना को मृत्यु की नींद सुला दिया। पर क्या बोलो? पर हमारी आधी सेना भी हेत हो गई।
और राजराणा बहादुर जी, उनकी क्या सूचना है? क्या वो हमारा ध्वज कीर्ति स्तंभ पर लहराने में सफल हो गए? पता चला है महारानी साहब कि उनकी टुकड़ी पूरे प्राणपण से युद्ध कर रही है। सफलता थोड़ी दूरी पर ही है महारानी साहब। ठीक है, तुम जाओ और जैसे ही कोई नई सूचना मिले हमें बता। ये क्या, ये 56 भोग का भोज किसी ने छुआ तक नहीं। कैसे खाएं जीजा, राजगली से नीचे ही नहीं उतर रहा है। ये तो हमने पहली बार देखा है। आप और कुछ भी खाने से मना कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। बहनों, जैसे हमारे पुरुषों ने युद्ध में जीने के बदले हंसते हंसते लड़ने और लड़ते लड़ते मर जाने का विकल्प चुना है, उसी तरह हम मेवाड़ी राजपूतानियां भी हंसते हंसते आग की लपेटों में चढ़ जाएंगी। ये भोज, ये श्रृंगार हमारे इसी भावना का प्रतीक है। हमारे लिए मृत्यु भी हर्ष और उल्लास का एक उत्सव है। चलिए, आज हम अपने हाथों से आप सबको परोसेंगे। बैठ जाइए। हम भी परोसेंगे। हुकुम, आप जाइए। तुम जाओ बच्चे। हम आपको यूं ही छोड़ के नहीं जा सकते। तुम जाओ यहां से और हमारा उद्देश्य पूरा करो। हम नहीं जाएंगे दादा। मैंने कहा जाओ यहां से। संभालिए दादा। जय मेवाड़। जूनियर प्लीज। आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।